नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद बाघेला। बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, कितना ही ताकतवर हो और किसी भी पार्टी का हो, उसने कोई गड़बड़ी की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। यही लोकतंत्र की खूबी है। ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, जांच में जो भी गड़बड़ी मिली है उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। ये बात सुमित्रा महाजन ने कही है, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर सुमित्रा महाजन ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो, ताकतवर क्यों ना हो, भले कोई सी पार्टी का क्यों ना हो, उसने यदि कोई गड़बड़ी की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। और इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इंदौर से स्वराज संवाददाता दीपिका अग्रवाल जुड़ चुकी है। दीपिका, जिस तरह इंदौर की ताई कहे जाने वाली सुमित्रा महाजन ने कहा है कि गड़बड़ी भले कोई भी करे, कितना ही ताकतवर आदमी क्यों ना हो और किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, सजा जरूर मिलेगी, किस तारतम्य में उन्होंने बात भी कही और साथ में कहा ये बात उन्होंने कही है? देखिए, आज इंदौर में कुशाभा ठाकरे की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पहुंची थी और शहर की ताई कही जाने वाली सुमित्रा महाजन ने वहीं पर ये बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही ताकतवर हो या किसी भी पार्टी का हो, यदि उसने गड़बड़ी की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ये बात उन्होंने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के मामले में कही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की यही खूबी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही ताकतवर हो, यदि उसने गलती की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। जी शरद, वास्तव में लेकिन इस तरह देखा जाए कि प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। हम बात करें सुमित्रा महाजन की, बात करें या इसके पहले और भी कई नेताओं ने इस मामले को लेकर, यानी पी चिदम्बरम के मामले को लेकर बड़े बड़े बयान दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ सुनने को मिला? यदि हम बात करें, सुमित्रा महाजन ने अभी इस बात को कहा है कि कोई कितनी भी बड़ी गड़बड़ी करे लेकिन सजा जरूर मिलेगी, तो उनके इस बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया और सुनने को मिल रही है? आज देखिए, कांग्रेस का पक्ष जो है वो शुरू से साथ है। उनका कहना है कि भाजपा के जो है वो इशारों पर ये कार्रवाई की जा रही है और फंसाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस मामले में अपने नेता का बचाव करती साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से अब पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी का ये जो बयान सामने आया है, उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर मुखर हो रही है और अपने नेता की बचाव पे जो है वो बात कहती नजर आ रही है। जी शरद जी, क्या लगता है प्रियंका, अब इस बयान के बाद, यानी कि सुमित्रा महाजन ने इस तरह का बयान दीपिका जिस तरह देखा जाए कि जिस तरह बयान दिया गया है, उसके बाद अब कुछ क्या राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, इस मामले में जो है वो राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो शुरू से ही तेज है, जहां भाजपा जो है वो कार्रवाई का हवाला देते हुए कह रही है कि यदि गड़बड़ी हुई है तो सजा मिलेगी, ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस का पक्ष जो है वो भी साफ है, वो यहाँ पर अपने नेता का बचाव करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष जो है वो अपने अपने कहे पर जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई अपने अपनी जो है वो कार्रवाई में लगे हुए हैं और यहाँ पर पूरे मामले की जो है वो जांच की जा रही है। और साथ ही जो है वो भाजपा और कांग्रेस का जो बात है, जिस तरह हम देखा जाए कि पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद कई तरह की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है और साथ में बयानों का भी दौर लगातार जारी है। इस तरह से आज सुमित्रा महाजन ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस उनके इस बयान को किस तरह लेती है और आने वाले समय में क्या कुछ और बयानों का दौर जारी रहता है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका इस जानकारी को साझा करने के लिए।